नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनाली धनगर। राजधानी रायपुर के जिला सरकारी अस्पताल मेकाहारा में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना घटी। प्रेग्नेंट महिला सरकारी हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी करवाने गई, लेकिन उसकी वहां इलाज नहीं किया। फिर वह सरकारी हॉस्पिटल कालीबाड़ी में गई, वहां से भी भगा दिया गया। फिर पंडरी के सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहां भी इलाज करने वाला कोई नहीं था, कोई उसको भर्ती करने के लिए तैयार नहीं था। और तो और 3 घंटे तक महिला के पति हाथ पैर जोड़ते रहे कि मेरी पत्नी को भर्ती करा लो, पर कोई उनके बात सुनने वाला नहीं था। इस पर भारतीय जनता महिला मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निवास का घेराव करते हुए नारेबाजी की व ज्ञापन सौंपा। इससे जनता उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रेगनेंसी महिला वो सरकारी हॉस्पिटल में अपना डिलीवरी करवाने गई, एक सरकारी हॉस्पिटल कालीबाड़ी में गई, वहाँ से उसको भगा दिया गया, नहीं अभी तुमको नहीं लेंगे, यहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं। उसने फिर पंडरी के सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहाँ भी उसने विनती करी, निवेदन करी, लेकिन कोई उसको भर्ती नहीं लिया गया। और तो और 3 घंटा हो गया, उसके बाद उनका होश आया, फिर उस महिला को दरवाजे पे चौखट पे विनती करते रही, उनके पति हाथ पैर जोड़ते रहे कि मेरी पत्नी को भर्ती करा लो, मेरी पत्नी का डिलीवरी करवा लो, लेकिन शासन प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब वो महिला को जब भर्ती किया तो एक उन्हें कहा कि 1 घंटा पहले तुम्हारा बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है। अब बताइए उस महिला की पीड़ा को, वो पिछले 5 घंटे से विनती कर रही थी कि मुझे भर्ती कर लो, मेरे उनके मिस्टर मेरे पति को मेरी पत्नी को भर्ती कर लो, लेकिन शासन प्रशासन ने ये सब सुध नहीं लिया। लेकिन जब लिया तब वो बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी, पेट में पल रहे। तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी से, माननीय टीसी देव जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करती हूँ कि ये घटनाएँ लगातार होते जा रही है। ये तो रायपुर शहर की घटना है, राजधानी की घटना है, जहाँ इतने सारे हॉस्पिटल है, इतने सारे डॉक्टर है। अगर हम बोले जगदलपुर अंचल ग्रामीण का, तो और वहाँ का हाल कैसा बदल है आप देख रहे हो। तो मैं कहना चाहती हूँ, और एक मेकाहारा में भी एक ऐसी घटना हुआ है, एक मृत व्यक्ति उनका लाश पिछले 3 घंटे से लगातार बरसते पानी में पड़ा रहा। आप बताइए, मृत व्यक्ति, जीवित व्यक्ति से ज़्यादा सम्मान मृत व्यक्ति का होता है। उस व्यक्ति को पानी में लगातार पड़े रहने देख के शासन प्रशासन, वहाँ के जितने स्टाफ थे, उनका भी दिल नहीं पसीजा कि उसको ला के कम यहाँ छाए में रख दे। ऐसे घटनाएं कई बार लगातार स्वास्थ्य द्वारा हुआ जा रहा है। तो मैं आज हम सब महिला मोर्चा रायपुर शहर की बहनें स्वास्थ्य मंत्री जी को घेराव करने आए थे, उनको ज्ञापन देने आए थे, ताकि ये जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं अब मत हो।